Hello everyone, I am Aditya Yadav and you are watching the Social Indian, and in this video we will be discussing the 7th cutoff jo aaj aayi hai, jo sirf naam ki cutoff hai aur zyada usme fark nahi pad raha hai, uske bare mein hum discuss karenge. Uske baad hum discuss karenge college mein classes start ho gayi hain to aapko kaise approach karna chahiye, kya approach karna chahiye, meri kya strategy shuru ke 7-8 dinon mein. Uske baad main aapse aaj baat karunga ek master tip ki, jo aapko master tip law faculty mein bhi kaam aayegi, law life mein bhi kaam aayegi. To sabse pehle hum shuru karte hain aaj ki 7th list se. ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, 3 या 4 मिनट की ये वीडियो होगी. उस वीडियो में मैं आपको शुरू करता हूं जनरल से. तो जनरल में की कट ऑफ आई है 216 नंबरों पे, एक नंबर नीचे गई है, लेकिन 216 पे 3-4 बच्चे हैं जिनकी 82, 79, 78% आए हैं ग्रेजुएशन में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो कागजी चीज है. इतने नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है और वो लोग लाए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई है. ओबीसी के लिए कट ऑफ गई है 161 पर, लास्ट टाइम थी 162 पर, एक मार्क्स का यहाँ भी फर्क आया है. एससी के लिए गई है 134, एसटी के लिए गई है 72 और ईडब्ल्यूएस के लिए गई है 178. तो जब 178 कट ऑफ जा रही है तो उसके बाद सेंट्रल अलॉटमेंट के लिए लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेरे को ये चाहिए था, ये हो गया है, ये अब क्या सेंटर चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटर चेंज होने के लिए ऐसा कोई खास परफॉर्मा नहीं है, ना कोई ऐसा कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं. आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे कि आप एप्लीकेशन लिखिए डीन के नाम पर कि मेरे को ऐसे ऐसे सेंटर अलॉट हुआ है, लेकिन मैं इस सेंटर में इसलिए खुश नहीं हूँ, टाइमिंग सूट नहीं करती है, ये है वो है. वो आपको देखना है कि आपके ग्राउंड्स क्या है और कौन से ग्राउंड जेन्युइन लगकर आपके सेंट्रल अलॉटमेंट की बात हो सकती है. तो आप उसे भी देखकर ध्यान रखकर एप्लीकेशन लिख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वो एंटरटेन करते हैं कि नहीं करते हैं इस बारे में. अब जो लोग आए हैं उन्हें शुरू से ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोग हैं जिन्हें क्लासे ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा क्लासे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, सब कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़िए और बढ़ते रहिए. कुछ लोग आज मेरे से मिले, उनसे मैंने बात की, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप आते हैं सामने से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है. शायद एक दो बार आपकी शक्ल याद ना रहे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको याद रखूं, आपको पहचानूं, आगे से भी मिलूं और आप आके मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो आपके मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही मिलते रहें, भाईचारा बनाए रखें. उसके बाद हम अब बात करते हैं कि आपके लिए आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है. 4 तारीख से नॉमिनेशन है 4 तारीख को, तो अब इलेक्शन मोड ऑन रहेगा. अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा इस फेस्टिवल का मज़ा लीजिए, जितने मज़े लिए जा सकते हैं उतने मज़े ले लीजिए. इस टाइम पर क्लासेस जो हैं वो आपकी शायद प्रॉपरली ना चलें, लेकिन आपका दिमाग शायद यहाँ पर प्रॉपरली चल सकता है. तो कोशिश कीजिए कि आप इलेक्शन में इंडल्ज हों या ना हों, लेकिन उस इलेक्शन से अपना आउटपुट निकाल सकें, अपनी चीज़ें सीख सकें और आगे बढ़ सकें. साथ ही साथ आपको जो मास्टर टिप मैं देने वाला था लॉ लाइफ में, वो ये देने वाला था कि लॉ इज़ ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स. कॉन्टैक्ट्स बनाइए, इलेक्शन अच्छा मौका है, लोग आपके पास भी आएंगे, सीनियर भी बात करेंगे, आप भी सीनियर के पास जाकर बात कर सकते हैं. अगर आप कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में पछताएंगे. देखिए, कॉन्टैक्ट से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आपके फ़ोन में वो कॉन्टैक्ट हो, मेरा मतलब ये है कि उनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, आपका अच्छा भाईचारा हो. एटलीस्ट क्रिएट अ गुड सर्कल, सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल हु गिव्स यू पॉजिटिविटी, और वो लोग आपको जो ग्रोथ तक लेके जाएं, आपकी हर बात में साथ दें, आपकी ग्रोथ में साथ दें, ऐसे लोगों के साथ आप कोशिश कीजिए आप रहें. और साथ ही साथ हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं इलेक्शंस के ही ऊपर, स्पेसिफिकली डूसू इलेक्शंस और जो कॉलेज इलेक्शंस होते हैं उसमें आपको मौका देंगे कि आपके कैंडिडेट्स की आवाज़ आप सुन सकें, उनसे बात कर सकें, उनके विचार जान सकें और कौन कैसा कैंडिडेट है उसके बारे में जान सकें. इसके ऊपर हमारा प्रपोजल चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो जल्द ही ये सीरीज़ आने वाली है. इंतज़ार कीजिए उस सीरीज़ का, कल से आपके लिए वीडियोज़ आएंगी. हम कई बार बोलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन कमिटमेंट टूट रहे हैं, हम चाहते हैं वो ना टूटें. ऐसे ही प्यार और समर्थन वीडियोस पर बनाए रखें और हमें आइडिया ज़रूर दें कि हाँ भाई अगली सीरीज़ आप किस चीज़ के ऊपर जाते हैं और आप क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं. चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा. पसीनों से लथपथ हम यहाँ पर आपको कर रहे हैं बाय. भारत माता की जय. जय हिंद.